नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो हरियाणा से खबर, जहां दिवाली से पहले एनएचएम कर्मियों को मनोहर लाल सरकार ने सौगात दी है और महज इतने रुपए देकर मिलेगा 5 लाख तक मुफ्त इलाज। पूरी योजना क्या है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, हरियाणा की खट्टर सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों को दिवाली तोहफा दिया है। सरकार ने इन कर्मियों को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए सालाना फ्री इलाज की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो एनएचएम के निदेशक ने इस संबंध में सभी ज़िलों के सिविल सर्जन को गुरुवार को एक पत्र जारी किया था और ये लगभग जो है ये लाभ 1,80,000 रुपये सालाना से अधिक आय वाले वर्कर्स को ही मिलने वाला है। यदि कोई वर्कर इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहता है तो उसे शपथ पत्र जो है दाखिल करना पड़ेगा। पानीपत के 910 आशा वर्कर्स और एनएचएम के लगभग 400 कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। वही सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने चिरायु हरियाणा के तहत 1,80,000 से 3 लाख रुपए सालाना आय वालों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का फैसला पिछले महीने ही किया है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों को 1,500 रुपए का प्रति प्रीमियम देना होगा। तो देखिए, अब एनएचएम कर्मचारी और आशा वर्कर्स मात्र 750 रुपए के प्रीमियम पर 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकेंगे, क्योंकि 750 रुपए का अंशदान हरियाणा सरकार वहन करने वाली है। सिविल सर्जन के मुताबिक किसी सदस्य को ये लाभ नहीं मिलेगा तो 7 नवंबर तक उसे सिविल सर्जन कार्यालय में शपथ पत्र देना होगा। 1,80,000 से अधिक आय वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बीमा प्रीमियम का 50% देना होगा। जो कर्मचारी अपने वेतन से सालाना 750 रुपए कटवाने को राजी होंगे उन्हें चिरायु में कवर किया जाएगा, बाकी के 750 रुपए सरकार की ओर से जमा करवाए जाएंगे। तो देखिए, मिशन डायरेक्टर की ओर से मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर सभी ज़िलों के सीएमओ सर्जन को हिदायतें जारी की गई हैं। साथ ही उन्हें एक हलफनामा भी भेजा गया है। ये स्वघोषित शपथ पत्र उन कर्मचारियों को भरना होगा जो सालाना 5 लाख रुपये की मुफ्त चिकित्सा सुविधा लेने के इच्छुक हैं। तो कर्मचारियों की सहमति से ही सरकार उनके वेतन में साल में एक बार 750 रुपए की कटौती करेगी ताकि प्रीमियम जमा करवाया जा सके। वहीं देखिए, सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर्स यानी कि MBBS डॉक्टर्स के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है। तो अभी तक इन डॉक्टर्स को 50,000 रुपये मानदेय मिल रहा था और सरकार ने इसे बढ़ाकर अब 60,000 रुपये करने का निर्णय लिया है। नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के मिशन निदेशक की ओर से संबंध में सभी CMO को सूचित किया गया है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें।